अगस्त 1947 की बात है। देश के बंटवारे की घोषणा हो चुकी थी और बहुत से हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़कर भारत में जाना शुरू कर दिया था। बाबा सभी यज्ञवत्सों को पहले से ही बताते आ रहे थे कि बापू गांधी जी और कांग्रेस स्वराज्य प्राप्ति का अथवा राम राज्य की स्थापना का पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, परंतु वास्तव में स्वराज्य अथवा राम राज्य तभी स्थापन हो सकता है जब सभी नर नारी राम और सीता समान पवित्र हों, मर्यादा पुरुषोत्तम हों और विकारों की गुलामी की जंजीरें तोड़कर स्वयात्मा का राज्य स्थापन करें। हिंदू और मुसलमानों के झगड़े के बारे में बाबा ने पहले ही बता दिया था। अतः देश का बंटवारा होने पर जो मार काट शुरू हुई वह यज्ञवत्सों के लिए कोई नई बात नहीं थी, ना ही इसका उन्हें कोई डर था। देश के बंटवारे के बाद भी यह ईश्वरीय यज्ञ 3 वर्ष तक कराची में ही रहा। मुस्लिम लोगों ने कभी भी इसे हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वे कहा करते थे कि हमारे लिए भी कोई सेवा हो तो बताना, आप लोग बहुत पवित्र और ऊंचे हो, आपकी सेवा और सुरक्षा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि आप अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। यज्ञवत्सों के लौकिक संबंधियों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए 2-3 वर्ष हो गए थे। उन्हें ये मालूम नहीं था कि ओम मंडली अथवा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अब कहाँ है। उन्होंने भ्रांतिवश ये कहना शुरू कर दिया कि शायद ओम मंडली को मुसलमानों ने सिंध में ही समाप्त कर दिया है। बाद में जब उन्हें मालूम हुआ कि वे अभी भी पाकिस्तान में ही है, तो उन्होंने पत्रों के द्वारा आवेदन भेजा कि यज्ञ को पाकिस्तान से हिंदुस्तान में स्थानांतरित कर दिया जाए। उधर शिव बाबा ने भी ब्रह्मा बाबा द्वारा यही आदेश दिया कि अब यज्ञ को भारत ले जाया जाए। शिव बाबा ने कहा कि अब भारत जाने में ही आप बच्चों का कल्याण है, भविष्य में वहाँ कई सेवा कार्य होने हैं और साथ साथ परीक्षाएं भी आनी हैं। आखिर सभी यज्ञवत्स सन 1950 में कराची छोड़कर भारत के लिए रवाना हुए। जब सिंध के मुसलमान लोगों को ये बात पता चली तो उन्होंने सभी से भारत ना जाने के लिए बहुत आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को सब प्रकार की सुविधाएं देंगे, आपको यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा, फिर आप क्यों जाते हो? आप यहाँ रहेंगे तो इस देश में अपवित्र काम नहीं होंगे। परंतु यज्ञवत्सों को तो ईश्वरीय आदेश मिला था कि अब भारत जाना ही है, इसीलिए कराची से भारत आने के लिए एक स्टीमर द्वारा ओखा बंदरगाह तक आने की व्यवस्था की गई। संस्था की सारी इमारतों का हिसाब किताब आदि भी ले लिया गया। उन दिनों लगभग 400 यज्ञवत्स थे। जब कराची बंदरगाह पर सभी का सामान इकट्ठा हुआ तो उन्हें देखने के लिए लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया। मुस्लिम और पठान लोग 400 ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को सफेद यूनिफॉर्म में इकट्ठे जाते हुए ऐसे देखते रहे जैसे उनके घर के सदस्य उनसे विदा ले रहे हों। वहां के लोगों ने यज्ञ के भवनों को उचित मूल्य पर देने के कार्य में सहयोग भी दिया और स्टीमर में यज्ञ की कारें आदि भी साथ ले जाने की अनुमति दी। जब सभी स्टीमर में चढ़ रहे थे तो स्थानीय लोगों ने उन पर फूल बरसाए। विदाई का ये दृश्य सबके मन को घायल कर देने वाला था। सभी यज्ञवत्सों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि हंस उड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हों, अथवा ज्ञान स्टीमर में बैठे योगी भवसागर से पार जा रहे हों। आखिर यज्ञवत्स ओखा बंदरगाह पर उतरे। वहां से गाड़ी में वे आबू पर्वत आए। आबू पर्वत ऋषि मुनियों की तो तपोभूमि रही ही है, परंतु यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा और आदिनाथ की याद में एक दिलवाड़ा मंदिर भी है जो बहुत ही सुंदर और ज्ञान युक्त यादगार है। आबू पर्वत एकांत का स्थान है और ये योग तपस्या के लिए बहुत अच्छा है। इसी आबू में परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा कल्प पहले की तरह
फिर से सतयुग की स्थापना का कार्य तीव्र गति से आरंभ किया। वही आबू जिसकी महिमा में कवि राम ऋषि शुक्ल जी ने लिखा है, आबू की महिमा विशाल है, सचमुच ये आबू कमाल है। यहाँ ज्ञान की जलती मशाल है, जिससे मिटता मोह जाल है। महाभारत में लिखा है कि पांडवों ने 12 वर्ष वनवास किया और 2 वर्ष अज्ञातवास किया था। सिंध में पहले 14 वर्ष तक अपने बोर्डिंग में सबकी नजरों से अज्ञात इन अहिंसक पांडवों और शिव शक्तियों ने तपस्या की। अब जब उन्होंने अपनी अवस्था को उच्च बना लिया, संस्कारों को बदल लिया, योग की स्थिति को प्राप्त कर लिया, तब ये शिव शक्तियां माया को हराने के लिए मैदान में उतरी। अब गोपियों के पाठ का संवरण हुआ और यही गोपियां ज्ञान गंगाएं बन भारत को पतित से पावन बनाने के लिए निकली। ओम शांति।